अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला राइट एट योर सर्विस। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने की इतनी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह के करम के अलावा कुछ अपने उसूल भी होते हैं इंसान के, जो उसको लाइफ में स्पिरिचुअल तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर, फिज़िकल तौर पर किसी जगह पर रखते हैं। तो चीज़ों की जिम्मेदारी थोड़ी सी खुद लेना भी सीखें। सो द थिंग इज़ दैट के अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। द थिंग इज़ दैट के हम अपने गट फ्लोरा की इज्जत नहीं करते हैं, अपनी बॉडी की हम बात नहीं सुनते हैं, और अल्लाह ताला की दी खुराक में से हम इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एलोपैथी और सिंथेटिक मेडिसिन जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अब आपकी 70% इम्यूनिटी आपके गट फ्लोरा से आती है। जिसका गट फ्लोरा अच्छा नहीं होगा उसकी तो इम्यूनिटी लो ही रहनी है। गट फ्लोरा जब आपने अच्छा रखना हो तो सिर्फ आपने डूज़ का ध्यान नहीं करना होता, यानी क्या क्या करना है, आपने डोंट्स का भी ध्यान करना होता है, यानी क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, गट फ्लोरा आपके पास अच्छा होता है नेचुरल खानों से, ऑर्गेनिक खानों से, हाई फाइबर फूड से, लेकिन वो ख़राब होता है शुगर से, जंक से, प्रोसेस से, सॉय से, प्रोसेस मीट से। अगर आप अच्छा भी लेंगे और आप वो भी लेते रहेंगे बहुत फ्रिक्वेंटली, ठीक है महीने में एक आध बार हो गया तो मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका अच्छा असर आप पे अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि ये जो इस तरह के खाने होते हैं ये फिर आपके जिस्म को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलस देते रहते हैं, इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल देते रहते हैं, आपके जिस्म से बी वाइटामिन, जिंक को फ्लश करते रहते हैं। बी वाइटामिन आपकी इम्यूनिटी, खून, हर चीज़ में काम आते हैं। जिंक आपकी इम्यूनिटी में काम आता है। वाइटामिन सी, आप एक सिगरेट जो इंसान पीता है मैं उसको बता दूँ 25 मिलीग्राम उसके जिस्म से एक सिगरेट के साथ वाइटामिन सी निकल जाता है, इम्यूनिटी में काम आता है। तो फिर कहाँ से आपने सेहतमंद रहना है? फिर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, फिर आपको बार बार एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है और आप एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। मैं आपको बताने, अल्लाह माफी दे जिन लोगों को इम्यून डिसऑर्डर्स हों वो स्टीरॉयड में फंस जाते हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो विटामिन डी है इस वीडियो में एक दो और बातों के साथ, उसका जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल स्टीरॉयड जैसा होता है, उसका एक्शन भी स्टीरॉयड जैसा होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो पहले अल्लाह की बनाई चीज़ों की तरफ जाएं। विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमें सनलाइट से मिलता है, अंडे की सर्दियों से मिलता है, फैटी फिट से मिलता है, नेचर में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसी विटामिन डी का सिंथेटिक सप्लीमेंट मैं रिकमेंड करती हूँ। मैंने पहले भी बात की थी कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, तो हर 3 महीने बाद अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराते रहें, और हर 5000 इंटरनेशनल यूनिट के साथ आपने 50 माइक्रोग्राम विटामिन के को मिला के लेना होता है, ताकि कैल्शियम आपके वेसल्स में डिपॉजिट ना शुरू हो जाए, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा रखें। मैं विटामिन डी रोज खाती हूँ, ये पड़ा हुआ मेरी साइड टेबल पे, मैंने पहले भी दिखाया था, और उसके साथ साथ मैं 2 अंडे सर्दियों के साथ रोज़ खाती हूँ, सिवाय लोगों के जिनको अंडे से एलर्जी या कुछ खास इश्यूज हैं। क्या आप जानते हैं कि जो हल्दी है, जो अदरक है, उनके जो एक्शंस हैं इन्फ्लेमेशन और पेन रिलीफ करने में, वो इब्यूप्रोफेन और एस्पिरिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हल्दी भी आपके पास जिस एंजाइम को इब्यूप्रोफेन इनहिबिट करके रोक के दर्द रोकता है, साइक्लोक्सिनेस को, हल्दी भी वही काम करती है। लेकिन हम नेचर की चीज़ें नहीं जानना चाहते हैं। ये हल्दी तो मैं अपनी इस्तेमाल करती हूँ, खैर ये मेरा अपना पड़ा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, मैंने अपने काफ़ी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, आप देख सकते हैं उसमें हल्दी भी, अदरक, आंवला, बड़ा कुछ है, वो मैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगी। बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की बनाई खुराक में अपना इलाज ढूंढें। अल्लाह ताला ने पेन किलर्स भी बनाए, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बनाए हैं, इम्यून सिस्टम तेज़ करने की चीज़ें भी बनाई हुई हैं। उसको खुद को बीमार करके अपने स्कूलों से बाद में दवाइयों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। आई सी ऑल अगेन विद यट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।